10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना अपना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 फर्स्ट 123 ये 123 क्या नंबर है फर्स्ट 123 यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसा करते करते सम ऑफ फर्स्ट 123 लेकिन कौन से नंबर इवन नेचुरल नंबर वन एंड द सेम मीनिंग इवन नेचुरल नंबर और इवन नंबर वन एंड द सेम मीनिंग लेकिन नेचुरल नंबर बोलेंगे तो अलग है नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर या इवन नेचुरल नंबर एक मतलब है वो इवन नेचुरल नंबर और इवन नंबर यानी टू का टेबल 2 2 2 4 2 3 6 समझे ना तो लिखेंगे अपन द इवन नेचुरल नंबर आर द इवन नेचुरल नंबर आर इवन नंबर किस मैंने इवन नंबर क्या बोला 2 से चालू होते टू का टेबल तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 कितना लिखेंगे बस करो डॉट 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 तो उन लोग क्या बोल रहे सम ऑफ फर्स्ट 123 ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा तो यही कहीं कौन छुपाएगा 123 तो ऑड नंबर है लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं है 123 वो पोजीशन है जैसे ये फर्स्ट नंबर की पोजीशन है सेकंड नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो 123 पे जो भी नंबर होएगा वहां तक के नंबर को हम लोग ऐड करते जाएंगे तो उन लोग का क्या आंसर आएगा वो बताने का है सम का मतलब क्या ऐड समझ है ना तो मेरे को मालूम है द अबाउ सीक्वेंस फॉर्म एन एपी तो लिखे बताइए द अबाउ सीक्वेंस फॉर्म एन एपी विथ एपी है क्या नहीं है 4 में से 2 गया 2 6 में से 4 गया 2 8 माइनस से 6 गया 2 10 में से 8 गया 2 एपी है विथ P1 is equal to A. क्यों मैं A बता रहा हूँ क्योंकि ये sum of first 123 SN के फॉर्मूले में A आता है और T1 भी आता है A is equal to 2 है ना कॉमन डिफरेंस आराम से बता सकते D is equal to T2 minus T1 T2 कितना है T2 4 minus 2 2 बड़ा नंबर 4 उसके साइन प्लस और मत माइनस करो ये ऑलरेडी एपी है ना तो 6 माइनस 4 करके बताएंगे 8 माइनस 6 करके बताएंगे इनफ ये ऑलरेडी एपी है हमने बता दिए द अबाउट सीक्वेंस फॉर्म एन एपी विद T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस भी कितना है 2 फाइंड क्या करने का है सम ऑफ फर्स्ट 123 क्या तुम्हारे को आखिरी टर्म पता है क्या नहीं आखिरी टर्म पता नहीं है ना S 123 का मतलब क्या आखिरी में 123 नहीं यहां पे कहीं भी वो 123 टर्म होगा ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म जैसे फर्स्ट टर्म 2 सेकंड टर्म 4 थर्ड टर्म 3 फोर्थ टर्म 8 फिफ्थ टर्म 10 तो यही किधर 123 होगा वहां पे उसका कोई नंबर होगा वो हमको पता नहीं है तो 2 से लेके वहां तक के जाके ऐड करेंगे कितना आता वो करेंगे तो इतना तो पेपर में टाइम नहीं रहेगा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो हम लोग ये फॉर्मूले में भरेंगे SN इज इक्वल टू तुम्हारे को T1 पता है क्या TN पता है आखिरी टर्म नहीं ना तो वो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला बड़े वाला SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D तो देखो S N की जगह पे क्या आएगा सम ऑफ फर्स्ट 123 इसको क्या बोलते हैं हम लोग रीड करो सम ऑफ फर्स्ट 123 तो जहां जहां N वहां वहां 123 तो N की जगह पे 123 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 2 और A के बीच में मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस ब्रैकेट N की जगह पे कौन आएगा N की जगह पे 123 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है 2 कितनी है 2 है ना S 123 इज इक्वल टू 2 से 123 कटनेगा क्योंकि 2 के टेबल में 2 आएगा लेकिन 123 है क्योंकि इधर यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है यूनिट प्लेस पे 0 2 4 4 6 8 होगा तो 2 से कटेगा तो ये एज इट इज 123 अपॉन 2 समझ आए 2 2 जा 4 प्लस 123 में से 1 क्या 122 ब्रैकेट और 2 के बीच में कौन है मल्टीप्लाई 2 ये बड़ी ब्रैकेट छोटी बना दिया क्यों क्योंकि अंदर कोई भी ब्रैकेट नहीं है इधर कोई साइन नहीं है प्लस ये प्लस और ये प्लस 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 S 123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2 ब्रैकेट बोर्डमास बोलता पहले क्या करो मल्टीप्लाई
4 का प्लस 4 का 4 प्लस का प्लस 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू द 4 2 टू द 4 2 1 जा 2 244 करेक्ट है ना एस 123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2 ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई 244 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 248 आया ना देखो ऐड करके देखने का डायरेक्ट मत करो 4 4 8 4 248 ओके 2 से 123 कट नहीं हो रहा है लेकिन 2 से 248 कट होता है ना 2 1 2 2 2 2 2 4 2 4 8 है ना सम ऑफ फर्स्ट 123 इज इक्वल टू 123 मल्टीप्लाई बाय 124 समझ है सम ऑफ फर्स्ट 123 इज इक्वल टू अब ये 123 को 124 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई 123 को 124 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई 123 मल्टीप्लाई बाय 124 मल्टीप्लाई करके देखने का आराम से मल्टीप्लाई करो 4 3 12 कैरी है 1 4 2 8 है ना 4 3 12 12 का 2 कैरी है 1 4 2 8 और 1 9 4 1 4 2 3 6 2 2 4 2 1 2 अभी डबल क्रॉस है ना 1 3 3 1 2 2 1 1 1 2 9 + 6 15 का 5 कैरी है 1 4 4 8 और 1 9 9 + 3 12 का 2 कैरी है 1 2 2 4 और 1 5 और ये 1 1 5 2 5 2 समझे अगर मेरे से मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ गलती होगी तो तुम लोग बराबर से मल्टीप्लाई करके देख लेना मैं जरा खाई खाई में वीडियो बना रहा हूँ 1 5 2 5 2 1 5 2 क्या आंसर आया 1 5 2 5 2 और एक बार तो बस चेक करके देखने का अपने रफ वर्क से कि तुमने जो लिखे वो राइट है कि नहीं क्या है 1 5 2 5 2 1 5 2 5 2 1 5 2 5 2 सम खत्म नहीं हुआ आंसर डॉट लिख के बताना जरूरी आंसर डॉट क्या बोल रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर कितना है 1 5 2 5 2 तो अपन लिख के बताएंगे द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज अच्छे से दिखना चाहिए 1 5 2 5 2 समझ है हाँ